नुन्ना ड्राइवर सीट का नहीं जा, नुन्ना की गाड़ी चला हुई। बैठ जा, बैठ चला आजे। आपे बिठा उस दो बना। और दादा की हाइट देखो भाई, दादा छैत के मिलन नहीं रहा है, बस दो तीन अंगल का ही फर्क रह रहा है दादा। नहीं। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। और सारे राम राम। तो आप देखने लग रहे हो इस टाइम रवि व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो सारे बहन भाइयों का स्वागत है भाई अपना चैनल पे। और आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है, मैं छोड़ गया हूँ फिलहाल यक्षु और ना, और 15 मिनट लाई मैंने मैं सुधर और चाय वाय लेके ना अभी पहुंचा था बस। और माँ में बैठे हैं, मेरी माँ खड़ी। हेलो माँ, कैसे हो? मस्त है एकदम, गर्मी हो रही अच्छी। तो भाई बाहर बैठे हैं हवा में, क्योंकि अंदर की जो मतलब हवा वह चीज़ अलग है, लेकिन जो बाहर की हवा वह नेचुरल है। और ईव चलेंगे आप खेत में, क्योंकि भाई मेरी दादी आ रही थी खेत में था और वह छोटी गाँव मैंने खेत में, उसकी तबीयत कुछ हो रही है डाउन। आपने पहले वो लोग काम देखा था और आज की कंडीशन दिखाऊंगा मैं, तो आप देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिचुएशन के है। तो चलेंगे थोड़ी देर में, बाकी बैठे हैं 2-4 मिनट होगा पी के ना, और फिर चलेंगे। और डॉक्टर साहब भी पहुँच गए हैं भाई। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो? एकदम मस्त। और डॉक्टर साहब की भी शादी आने वाली है, बिल्कुल फुल मनोरंजन हो गया व्लॉगिंग के साथ में। हैं, तैयारियां चल रही भाई, चाची चाची लगा रही, छोरों ने चुटू मुठ सा काम लग रहा करवाना। कैसे बैठे मेरी बात। और चलने से पहले अपन भरनी भाई अपनी बग्गी है जो उसमें हवा, क्योंकि परसों जब लेके आए थे तो हवा कम हो रही थी और उसका पंचर हो तो बेरा पड़ जाएगा उस चीज का पहले ही। तो अबे भर के दोपहर पाछा एरा लेने जाओगे। हेलो ब्रो। हाँ, तो पहले करते हैं उसकी हवा कंप्लीट और फिर करते हैं दादी वाला टास्क कंप्लीट। पंप पड़िया भाई इसमें पीछे वाली साइड में। कैसे है जमोले? बढ़िया वीरे, क्या हाल है वीरे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये रखा जी अपना पंप। क्या गया बड़ा भी है। और कान टूटे बंदे रहो मित्र की गेले। हवा इसमें अपन कंप्लीट कर दी भाई बग्गी में, तो 2 बजे लग बेरा पड़ जाएगा, इतना रल्याण का टाइम होगा कि पंचर है या हवाएं घट रही है। तो अब चलेंगे आप सीधे अपनी दादी दो रहे और खेत में लेके चला है, क्योंकि गांव में रैली हुआ काफी टाइम। पहुंच गए हैं भाई दादी के घर पे, तो करते हैं पता दादी चलने के लिए रेडी है कि। चल दादी आज फिर काकी ठीक से। फिर पानी लगाऊंगा और पानी का वार सज और फिर आएगा ना बच्चे ले आने स्कूल में। आगे बैठ जी, बैठ लग के जाओगी। आगे बैठ जी, बैठ लग के जाओगी। नुन्ने ड्राइवर सीट का नहीं जा, नुन्ने की गाड़ी चला हुई। उठा के बाल्टी मार का साला पानी नहीं मांगेगा। बैठ जा, बैठ चला आज। आपे बिठा उस दो बना। अबे नुन्ने को जाओ दी, मां के गाड़ी चला दी हो। हाँ, अटके से ना ले हुए हैं। खेत में कोई गुण जाता कौन काकी? बहुत तेज हो रहा है। क्या बात है कौन दादी? या तो कोई खास बड़ी बात कौन जी? तो बड़ा लग लग दा क्या तो कौन दे? हां लग गया बड़ा बड़ा तो सेठर सो दे सारी आ जी मन्यो नहीं कर दी कौन लग गया सारी। हां अरे दिया मैं तो ठीक हो गई जी करा एरा हूं फिर पैरे तो मेरी तो राय आई थी कि दादी करा रहो है, लेकिन भाई दादी ने खेत वाले भी संभालने जरूरी है, कदे लाना दे यू भी डर लागे मरदोड़ी भी लाना कटर लागन लग रहा है। चलो फिर अच्छा है, चलो सारे ध्यान रखना पड़ा दादी ने। तो चलो खेत में चलेंगे फिर। ठीक है काकी, फिर दादी यू आज चुंडा किस पर मनवाई गई था? ये तो तने कई दिन तो खोल ले रखा था चुंडा, तो कई दिन खुला रखा कर दी। अरे उदा पे भू बीमार और हर एक दिन खेत में चिवा है और गई 10 दिन का ही बैठ के। हां राम कुमार की भू में पड़या था। अच्छा अच्छा राम कुमार की भू में। हां
बिना चुंडा नहीं है जुगर बिना चुंडा देखा था ना लगता सही होने के बाद जुगर मारी दादी के ओपरी ओपरी लगे जो हाँ सर बैठे बैठे आ जो हाँ तो भाई दादी अपनी सगी दादी वर्गी है इतना है प्यार है मार में भी जय बाबा की और करिए दादी की उम्र लंबी करिए बाबा तो यह दुआ कराए तो हम भी दुआ करियो भाई अपनी दादी की उम्र है जो लंबी हो और शरीर तो बिल्कुल फिजिकली तौर पर तंदुरुस्त रहो जमा बीमार होगी थी बेचारी थोड़े दिन लेकिन ये कंडीशन पहले तो बहुत ज्यादा बेहतर है ये ठीक है खाना पीना सारा सही खा ले लेकिन मैं थोड़ा अनुभव जो गाँव में रहो नहीं तो और भी बढ़िया रहो क्योंकि गाँव में लुगाई बताई भी फेट जे है कि ना तो उसमें थोड़ा मन सा मने रहो है कि भाई हाँ कोई आओ है हाल चाल पूछ है जी सा लग रहो है एक खेत में जो करे 5-6 किलोमीटर जाएगा ना फेट के ना ओड़ा कदे कदास का मैटर हो लेकिन गांव में तो आए जाओ डेली कोई ना कोई दादी हाँ चलो ले वो तो दादी की इच्छा जरा दादी ना अच्छा लगे भाई ओड़े जाओगी दादी क्योंकि आप इसकी इच्छा ना भी नहीं मार सकते दादी हो जाएगी ठंडी फिर थोड़ी देर जी पहुंच गया खेत में गर्मी गच कर रखी बहर दादी गर्मी बहर निगर हरी जमा गच गर्मी हरी जमा ये तो भीतरे ठंड लग दी प्लांट में लग रहा कंपनी का मालिक से वो सवेरे सवेरे आके बैठ जी पी लिया और काकी ऐड तो कौन मन लागे कोई ओड़े पाओगे अग ओड़े पाओगे दादन तो फेट है पहली तो दादन मैं क्या फेट क्या हुई क्या था मैं तो खड़े है कोनी वाला ना और जीवन साथी इधर आ संदन तो फेट और चाचा दादा राम राम ठीक से गई हेलो 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 खुश है जी जमा देखता है इतने प्यार बात बता बस इतने में काम कौन चलता भाई तो जमा लपेट के छोटे फिर एम एल के हिसाब से तो कोनी नहीं क्या हुआ बोतल पूरी ये तो जैमन का रस ले रहा आज आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे यूट्यूबर क्रेजी यूट्यूबर से जो भाई मतलब एक चैनल के हिसाब से तो मानना चाहिए अलग बात है नहीं बाकी जो गर पॉपुलर हो गया बिल्कुल क्योंकि जो एडिटिंग है उसकी और जो वीडियो क्रिएट करा है उसकी भाई वह वीडियो है ना जो बिल्कुल ही लाजवाब है और इतनी ज्यादा मेहनत और इतनी मस्त क्वालिटी वीडियो भी तो मिलांगे जाएंगे ना भाई साहब तक पहुंच गया क्रेजी एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंट करना में के पास में भाई इतनी दूर बैठा है डाणिया में गांव से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच गया यहाँ पे विकास भाई का स्टूडियो पर तो विकास भाई जा रहा है भाई गांव में क्योंकि वो एक प्योर अपना जो देसी यूट्यूबर है कहेंगे वेल्डिंग वेल्डिंग कराना जा रहे हैं वेल्डिंग कराना जा रहे हैं तो उसका यू सेटअप जो चल गया भाई साहब ने और ऑफिस टाइप में बनाया गया चुबारा को
एसी आसी लगाया गया बढ़िया, मतलब फुल इंजॉय ले रहा है। और बाकी देखो कहो तो है भाई मैं चल पड़िया काम, मत कै मिनट में 5 मिनट में आ 10 मिनट में, अगर ज्यादा तो लेट करा है तो भाई मैं भी निकल जाऊँ यहाँ से, अगर जल्दी आओ तो फिर जरूर मिलकर चला है भाई साहब। और विकास से तो आप नहीं मिल पाओगे भाई, क्योंकि वो तो वापिस काम में गया है, कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी बेल्ट में, तो दोबारा टूचमर बन गया उसका। और मामे बैठे थे साहिल ब्रो, मन्नू और मैं, और मन्ना भी वैसे जाना पड़ा भाई 12 बजे, क्योंकि सौरिक और यक्षु लेके आने हैं, और साथ मतलब भी जाना हटाने में था अपना दादा भी, दादा भाई सेविंग शाविंग कराया गया हुआ क्योंकि दादी कई दिन में आई खेत में तो भाई चलो आप चलाएंगे विकास के बाट बूट देख के भाई मैं तो चल पड़े, क्योंकि वो जगह काफी लेट है, और रास्ते में तो अपना दादा भी ले जाना है, और भाई फिर जाके ना बच्चे भी लाने यार, वो भी काफी टाइम हो गया बेचारा ने उनकी गर्मी में, उनकी छुट्टी हो जाएगी वैसे भी, फिर भी मैं 5-7 मिनट लेट हो ही जाऊंगा। पहुंच गया, पूछा दादा नहीं रह गया रेडी, दादा आ जा फिर चलांगे, गर्मी देख के कसूती कर रखी जमा और ये आई से की वजह तो हो रही है गर्मी तो। ऐडे कह दिया करो दादा ना ही ने बनाया जा करा खेत में है? नाम देखा हुआ। अच्छा कई दिन है क्या? और दादा की हाइट देखो भाई, दादा छैत के मिलन नहीं रहा है, बस 2-3 आंगल का ही फर्क रह रहा है दादा, क्योंकि भाई पहले के खान पान होया करते जो बिल्कुल हाँ हाँ ये फिर दादा गर्मी की वजह तो हो रही है सारी। दूर दूर तक तारा नहीं जिनू पटदा जड़ा चो पटदा तनु कहते ना। दादा ने तैयार कहना तो पहुंच गए यहाँ पे यक्ष और का स्कूल में, और छुट्टी हो गई भाई उनकी 12:15 बजे हो जावे तो आप लेके आएंगे। आज गाड़ी देख के ना बिल्कुल खुश हो गए दोनों, खाना खाया बेटे? कितना कितना खाया है? पूरा पूरा कितना? सारा खत्म कर दिया। वेरी गुड, चोटा बता दे रहा सारा खत्म कर दिया करो ठीक है हैं? दही मम ने के लिए है? दही मम ने के क्या हो गया? दही दही मम कर दी नहीं। और दही मम के लिए दही अच्छी नहीं लगी ना। आराम जाते मतलब अच्छी लगी थी हाँ। चलो फिर बेटा तेरे पापा तो बुलेट भी नहीं ले गया अपना, यहीं खड़ा कर रखे ये देख है ना गली में ही। क्या 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 पता क्या कहूगा वो देख किस तरह खड़ी जो तारी आरती उतारा की देखिए सारा ही कुंभा बह रहा है जे नहीं अक्षु है हैं उतरो नीचे और बाहर तो भाई गर्मी अब थोड़ पैड रखा समा कड़ाकेदार धूप कर रखी भाई बाहर तो फौजी ने रखा ओका ओका ही घूंट मारा है क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया अपना ओका भी वाह जी वाह क्या बात है रहने ले रहा था टाइम फिलहाल का जो सवा एक हो गया है तो भाई ओका का अपन पी लिया है और अपन जाना है 3 बजे खेत में तो फोन हो रहा है बिल्कुल डाउन तो थोड़ी देर चार्जिंग पर लगाओगे जाके 3 बजे गए भाई तो चलांगे खेत में जानते पानी खोलना भाई वैसे लेट हो गया ना जाना था मैंने पौने 3 बजे और पूरे 3 बजे 10 मिनट लेट हो जाना पूरी 7 मिनट में खेत में पहुंच ली हाँ भाई तो सबसे पहले करांगे यहाँ पे ड्रेस चेंज
और फिर करांगे नक के बंदे जीरी में पानी। जमींदार भाई बीमारियां तो और प्राकृतिक आपदाएं तो बच जो और बा मिल जो सूत्रा तो जमींदार वर्गा सौदा है को नहीं। भाभी ठीक हो लग रहे हो भैया? तो ये अपनी जीरी भाई साइड में और ये है नरमा अनापना फूल ठोक दी है भाई। तो ये रहेगी अपनी ज्वार 15 मिनट ज्वार में लगने और फिर मिलेंगे सीधे घर पे ही। गाइस जब लग तो मैं खेत में था तो मेरी गैर हाजिरी में एक बड़ा हादसा होने से बच गया है क्योंकि अपना जो प्लाट है ना उसके बिल्कुल सामने एक सहजन का पेड़ा है जो आपने देखा हो व्लॉग में हर बार दिखता रहा जड़ा पे सवेरे सवेरे बैठ के ना हुक्का पिया करा। तो उस पर भाई एक बढ़िया सांप रेड स्नेक पेड़ा के ऊपर डाली के ऊपर चिपकिया बैठा था आराम से और फौजी और बैठे थे उड़ा का लाई रहे थे पीने। तो उनका ध्यान गया भाई पता नहीं कैसे गया कई हिसाब से गया जुकर भी उनकी क्लिप भी ले रखी हुआ क्लिप भी मैं जरूर दिखाऊंगा आपने। तो भाई यू भी एक हादसा था जो होने से बच गया और इसको पेड़ा था ओड़े बैठा लगभग तो एकदम ऊपर से डैप डर जाए कुछ न कुछ हादसा उसका था। इस पेड़ा पे देखो ऊपर ये दिखता है छोटा है सर छोटा है कौन सा आते हो है तो नॉन मैंने में से रेड स्नेक दे रहा जमानु चिकना हो टागी वरगाई खेत में तो हुक्का पिया है और खाना भी ले लिया है। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यही पे एंड और एंड करने से पहले चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया बेल आइकन जरूर दबा दिया। फिर मिलेंगे एक और अच्छे व्लॉग के साथ में। दबंग और सुपुरी अंग तेरे यार हरियाणा तो बिलोंग करते।